अस्सलाम वालेकुम, मुनीब हियर एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नंबर गेसिंग गेम बनाएंगे C++ में। इसके अंदर बेसिकली हमने एक नंबर स्टोर किया होगा अपने प्रोग्राम में और यूज़र को वो नंबर गेस करना होगा, और वो नंबर जो है वो 0 से 99 के दरमियान कोई भी डिजिट होगा, और यूज़र के पास 5 अटैम्प्ट होंगी उस नंबर को गेस करने की। अगर वो 5 अटैम्प्ट्स फेल कर देगा तो वो गेम हार जाएगा। तो देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। या तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख लिया है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिक सा कोड कैसे लिखा जाएगा। ऊपर हमने आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लिया और साथ इस दफ़ा CSTD लेब को भी इंक्लूड किया। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। अब हम मेन के अंदर आ जाएंगे। मेन के अंदर बेसिकली हमने इंटीजर्स और करेक्टर को इनिशियलाइज किया है। सबसे पहले जो इंटीजर जो है सीक्रेट, इसको हमने 10 की वैल्यू दी है, ये हमारी सीक्रेट वैल्यू है। गैस वो वैल्यू होगी जो यूज़र गैस करेगा, और जो आंसर होगा उसकी टाइप कैरेक्टर होगी। देन वी हैव इंट डिफ और इंट आई इज इक्वल टू 1 i, जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे क्योंकि यूज़र को 5 अटैम्प्ट दे रहे हैं सही नंबर गैस करने की, इसलिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, और वाइल लूप के अंदर जो वाइल लूप को 5 की इटरेशन जो है वो 5 होंगी, इसलिए हमने i को इनिशियली नंबर 1 पे रखा है, और मैक्सिमम जो है वो 5 इटरेशन तक वो चल सकेगा। इसके बाद हम सी आउट करेंगे कि यूज़र को 0 से 100 तक कोई वैल्यू यूज़र प्रोवाइड करे, और वो हम गैस के अंदर सेव कर देंगे। फिर ये जो पार्ट है यहाँ पे डिफ जो है, डिफ जो इंटीजर हमने ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ था उसको हम सीक्रेट माइनस गैस, और इसके लिए हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ABS। ABS एब्सोल्यूट इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारा इंटीजर होगा वो नेगेटिव वैल्यू कभी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हमने आप इसकी डिफ की वैल्यू भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू सी आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कॉमेंट आउट किया हुआ है क्योंकि हम यूजर को ये नहीं दिखाना चाहते कि डिफरेंस क्या है। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे अगर डिफरेंस 50 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो हम सी आउट कर देंगे, हम आउटपुट पे लाइन दे देंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मच हायर। एल्स इफ डिफरेंट इज लार्जर और इक्वल टू 30 देन वी विल सी आउट के डिफरेंस जो है मच हायर है। फर्स्ट लाइन में मच हायर, सेकेंड लाइन में मच हायर। अगर डिफरेंस 11 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो हम हायर आउटपुट कर देंगे, लेकिन अगर हमारा डिफरेंस 0 से बड़ा होगा तो हम सी आउट करेंगे स्लाइटली लोअर। तो ये जो लास्ट इफ स्टेटमेंट में है इसमें हम ये देखेंगे कि यूजर ने सही वैल्यू गेस कर लिया या नहीं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो यूजर ने गेस वैल्यू गेस की है इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट जो हमारी वैल्यू सेव हुई थी, एंड i is equal to 5 यानी जो number of iterations है वो भी 5 हो चुकी है, 5 दफा loop चल चुका है। तो हम see out कर देंगे कि you lose यानी तुम हार चुके हो गेम। else if अगर जो value जो guess की हुई value तो secret value के बराबर हो जाएगी तो हम see out कर देंगे कि तुम game जीत चुके हो, और आखिर में system pause कर देंगे। तो इसे run करते हैं और देखते हैं कि इसके आउटपुट कैसी है। यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करने लगे हैं 60, वो बता रहा है कि मच हायर। अब हम एंटर करेंगे 25, अब वो सिर्फ कह रहा है कि हाई वैल्यू एंटर किया तुमने। अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे 12, वो बता रहा है स्लाइटली लोअर। तो अब हम अपनी करेक्ट वैल्यू एंटर करते हैं, कंग्रेचुलेशंस यू विन।